कर रहा है उसे सवाल करना। जब आप मीडिया अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर, अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर जो खुद ही बुलडोजर पे बैठ के वो तुड़वा रही है, जब वो खुद ही बुलडोजर पर बैठ के वो खुद ही तुड़वा रही है तो सवाल कौन करेगा। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। पहले शुरू करते हैं हम सबके पसंदीदा पत्रकार रवीश कुमार से। देखें इस क्लिप में रवीश ने बुलडोजर मामले पर सभी प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी और कहा कि गरीबों के पेट पर ही ये लोग लात मार सकते हैं। असल में जो आप लोग भी जानते हैं कि जो लाख करोड़ के लोन लेकर भाग जाते हैं उन पर हमारी सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती। बुलडोजर एक तरफा भारत का नया प्रतीक है। गरीबों के घर पर या उनके मोहल्ले में जितनी आसानी से बुलडोजर चल जाते हैं, क्या अमीरों के मोहल्ले में चल सकते हैं? इस दिल्ली की आधी से अधिक आबादी जो झुग्गियों, बस्तियों और अवैध कॉलोनियों में रहती है, क्या उसे नहीं मालूम कि उसके लिए डिमोलिशन का क्या मतलब है? गोदी मीडिया नाच रहा है, आपको पता बता रहा है कि कानून का पालन हो रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि हो क्या रहा है। मजहब और राजनीति के रंग से बुलडोजर का स्वागत करने वाले आज उन लाखों लोगों से खुद को अलग कर रहे हैं जिन बस्तियों से निकलकर उनके घरों, दफ्तरों और दुकानों में काम करने वाले आते हैं। जिनसे आपका काम चलता है उन्हीं के घर पर बुलडोजर आतंक बनकर नाचने लगे, और उसे देखकर जब आप नाचने लगे तो एक छोटी सी पर्ची पर लिखकर पर्स में रख लीजिए कि आप इंसान नहीं रहे। आइए अगले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे घटिया मानसिकता का खुलेआम एक घटिया व्यक्ति मुजाहरा करता है और ऐसे व्यक्ति पर कोई कुछ नहीं करता। जब तक हमारे देश में ऐसे अनपढ़ लोग मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ अपने धर्म की लड़कियों को बच्चे पैदा करने की मशीन समझना है तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ऐसे क्यों नारे लगाता है सुप्रीम लीडर बेटी पढ़ाओ? महाकाली क्या करती है? यदि संतान पर खतरा है तो दुश्मन की न केवल गर्दन काट देती है बल्कि उनके गर्दन के खून जो निकलता है उसे पी लेती है। और नागिन क्या करती है? नागिन अपने ही बच्चों को खा जाती है। आज मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, हिंदुओं की जो मेरी बेटियां, मेरी अपनी बेटियां, आप लोग मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, लेकिन आप जो काम कर रही हो मां का काम नहीं कर रही हो, आप जो है महाकाली का काम नहीं कर रही हो, आप नागिन का काम कर रही हो। और इसका कारण समझ लो क्यों कर रही हो। कुरान नाम की एक किताब है, मुसलमान उस किताब को पढ़ते हैं, उस किताब में यह लिखा हुआ है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा है वो लड़ते रहेंगे। और काफिर कौन है? मैं काफिर हूं, आप काफिर हो, हमारे परिवार काफिर हैं, हमारे बच्चे काफिर हैं। और हमारे कत्ल को, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार को वो दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य मानते हैं। ये उनकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। और उन्होंने हिंदुओं से सारी धरती लगभग छीन ली है। हिंदुओं के पास धरती का अब ये आखिरी कोना बचा हुआ है, ये आखिरी कोना, भागने के लिए जगह नहीं है आपके पास, ये आखिरी कोना है। जगह जगह से हिंदू भागता रहा और भागकर यहां आता रहा, कश्मीर से आया। आपने पिक्चर देखी होगी कश्मीर फाइल्स देखकर ये पाखंडी हिंदू रोए भी बहुत है। कश्मीर फाइल से पहले यहां आकर कोई पाकिस्तानी रिफ्यूजी, अभी एक पाकिस्तानी बुजुर्ग आए थे मेरे पास, वो बता रहे थे कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं तो उनसे पूछो, किस तरह से हमारी बहन बेटियों से बलात्कार होते हैं और बलात्कार के बाद किस तरह से उनकी हत्या होती है। मैं आपको इतिहास नहीं बता रहा, इतिहास बताने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ आज हो रहा है। आगे देखें, जहांगीरपुरी हिंसा के बाद पूरी प्लानिंग कर रखी थी बीजेपी ने और उनकी पीआर टीम ने, पर उनकी प्लानिंग की टाई फेस हो गई। तो पहले ये बीजेपी दिल्ली ने ट्वीट किया कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आने के बाद इतने ज्यादा दंगे हुए,
तो कुछ समय के बाद जब भोलेनाथ के प्रसाद से इनको होश आया तो इन्हें याद आया कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर तो इन्हीं के मोटा भाई अमित शाह के अंडर है, तो तुरंत इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। हमारा सुप्रीम लीडर कितना बेहतरीन है कि जब भी कोई दूसरे देश का लीडर हमारे देश में आता है तो हमारा लीडर बहुत बेहतरीन तरीके से जो देश की सच्ची दशा होती है उस पर या तो दीवार करवा देता है या फिर चद्दर उड़वा देता है ताकि दूसरे लीडर्स को सच्चाई ना पता चले। महान है हमारा सुप्रीम लीडर। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे न्यूज लॉन्ड्री टीम के मेंबर इन गोदी मीडिया के चाटुकारों पर भारी पड़ते हैं और इनकी धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं अपने शो के माध्यम से। और अर्णव जी, इन्हें तो उछल उछल कर इशारे करने की या जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। समझ रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ अ सेलिब्रेशन कैन बी अ प्रोवोकेशन। कैन समवन एक्सप्लेन दिस टू मी। हाउ कैन अ सेलिब्रेशन एवर बी प्रोवोकेटिव? हाउ? This is how. If somebody is celebrating and celebrating strongly, well, celebrating loudly, how does it provoke others? How does it make others angry? What do you mean by celebrating strongly, Arnab? This. अगले क्लिप में देखें कैसे रवीश कुमार ने कूद कूद कर खबरें सुनाने वाले गोदी मीडिया के आर भारत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जो भी कहें, न्यूज का असली मायना ये व्यक्ति समझाता है कि अगर हम सच दिखाते हैं तो हमें ऐसी हरकतें करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि सच ऐसी चीजों का मोहताज नहीं है। गोदी मीडिया के रिपोर्टर कूद कूद कर खबरें बताने लगे। एंकर पहले से ही स्टूडियो में कूद कूद कर खबरें बता रहा था। एक तरह से दिग्दिगंत कुदंत पत्रकारिता शुरू हो चुकी है। इन चैनलों को देखने वाले दर्शकों से अपील है कि वे भी कूद कूद कर खबरों को देखा करें। अपने टीवी रूम से सारा सामान हटा दें, सोफा, कुर्सी, पलंग, गमले बाहर कर दें। जैसे ही एंकर और रिपोर्टर दौड़ना शुरू कर दे, आप भी कमरे में दौड़ना शुरू कर दीजिए। अब दौड़ दौड़ कर खबरें देखिए, लेकिन दौड़ते दौड़ते पड़ोसी के घर में मत घुस जाइए। दौड़ते हुए गिरने से सर फटने का खतरा है तो कोई बात नहीं, आप हेलमेट की जगह लाउड स्पीकर लगा लीजिए। दिखा दीजिए दुनिया को कि दिमाग की अब जरूरत नहीं रही। जब सोचने समझने का सारा काम व्हाट्सएप से ही कंट्रोल हो रहा है तब दिमाग की जरूरत क्या है? दिमाग अब एक बेकार चीज है। इसकी जगह अगर गर्दन के ऊपर लाउड स्पीकर लग जाए तो सारी दुनिया को आप। अगला क्लिप है हमारे सुप्रीम लीडर का, जब ये बात कर रहा था कि मैं सबके लिए घर बनवा दूंगा। अरे घर चाहिए या के नहीं चाहिए भाई साहब, किसी को कुछ नहीं चाहिए। हम सबके पास जो बची कुची चीजें हैं बस हमें वही रखने दीजिए प्लीज अंकल। हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या सरकार ने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है, अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, घर में नल, नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली, एलईडी बल्ब, शौचालय, ऐसा पक्का पूरा घर, ये मेरा सपना है।
और अगली खबर है हमारे उन दलित भाई बहनों के लिए जो ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं जो माइनॉरिटीज को अपनी जूती की धूल समझते हैं। तो ओडिशा में जब एक दलित व्यक्ति ने 500 रुपये मंदिर में दान करने से मना किया तो उसे पीटा गया और उस दलित भाई को जबरन थूक गिरवाकर उस पर नाक रगड़वाया गया। और अगला क्लिप है बेहतरीन प्रज्ञा जी का, जो बची कुची इज्जत है हमारे चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया की, वो इन्हीं पत्रकारों की वजह से है। और इसमें देखें इस चीज का यानी कि सच्ची पत्रकारिता का किस बेहतरीन अंदाज से प्रज्ञा उदाहरण देती हैं और एक एक बात इस क्लिप में कही हुई सत्य बताती हैं। नष्ट कर देना निर्माण से बहुत आसान है, तो एक बात तो साफ है कि अतिक्रमण हटाने की समान सी कार्रवाई नहीं थी। ये मुसलमानों से ये शोभा यात्रा के दिन हुई घटना का बदला था। हनुमान जयंती पर जो हुआ उसका बदला लेने के लिए कानून को आड़ बनाकर सरकार को बुलडोजर लेकर उतरना पड़ा। रोती औरत ने कहा मत तोड़ो, सरकार नहीं मानी। लोगों ने कहा मत तोड़ो, सरकार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। इस इलाके से जुलूस पर पथराव हुआ था, ठीक है, लेकिन इस रोती औरत ने कितने पत्थर चलाए थे? चलिए औरत मुसलमान है, इसने तो रॉकेट लॉन्च करने की भी ट्रेनिंग ले रखी होगी, लेकिन अपनी इस दुकान से फ्रूटी बीनते हुए इस मासूम से बच्चे ने देखिए इसे कितने पत्थर चलाए होंगे। चलिए इनके भी छोड़ दीजिए, मोटा मोटी ये बताइए कि दंगाई बताकर देश के जिन हिस्सों में जितने मुसलमानों के घर गिरा दिए गए उनकी घर की बूढ़ी माओ का क्या दोष है, घर की बहुओं का क्या दोष है, घर के छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या दोष है? जिसने पत्थर मारे हैं उनके घर वालों से छत छीन कर उनके घर की औरतों को सड़क पर बिठा दिया जाएगा क्या? क्या ये भारतवर्ष का न्याय है? क्या ये हमारा भारत है? जो अपराध करेगा उसका घर तोड़ दिया जाएगा? क्या उस घर में केवल अपराधी ही रहता है? क्या एक आदमी के अपराध करने से पूरा घर अपराधी मान लिया जाएगा? किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती है, स्वर्ग और नरक सब इसी धरती पर है। एक आदमी के कर्मों की सजा पूरे परिवार को आप नहीं दे सकते, हिंदुस्तान का संविधान ये नहीं कहता। बुलडोजर प्रथा मुसलमानों के। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.